तो हम खड़े हुए हैं लॉकेट वाली शॉप में, है ना। और यहाँ तो भाई की हालत खराब हो रही है पूरी, तो देख सकते हैं आप दोस्तों लगाओ भाई इसकी पूरी हालत खराब हो चुकी है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे सनी व्लॉग चैनल में। और आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, है ना। और ये देखो हम मंदिर धुल रहे हैं, तो देखो पूरा कंप्लीट कर दिया है हमने काम, है ना, पूरा सफाई कर दिया। फाइनली सारा काम हमारा निपट चुका है आज का, ठीक है। ये देखो वहाँ पे सारा माल तैयार करके रख दिया है। और आज सोच रहे हैं थोड़ा सा सरप्राइज एकदम आपको दे, है ना। ये अचानक से प्लान बन गया, मेरे साथ जा रहा है शुभम जो कि दोस्त है मेरा, और ये भी एक ब्लॉगर है, इसका भी चैनल है शुभम नेगी ब्लॉग, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, ठीक है। तो ये शुभम, शुभम हेलो, हाय हाय, हाय हाय मर गया दोस्तों, ये कर रहा है हाय हाय अभी कोई सरकार नहीं जीती, अभी आया है मत कर, ठीक है। तो दोस्तों शुभम की स्कूटी खड़ी है और शुभम की स्कूटी से हम जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी टंकी के नीचे, टंकी दिखाते हैं आपको, टंकी के बाद नीचे जाएंगे हम, नीचे उसके बाद हम आएंगे। थोड़ा सा और लगेगा टाइम पहुँचने में, बस 5 मिनट और बने रहिए, बने रहिए। और भी जा रहे हैं मेले में, बोले बोले। तो गाइस देखिए, आप देख सकते हैं कि सभी जा रहे हैं मेले में, तो हम भी चलते हैं। ये सब हमारी तरह है, 3 दिन बाद जा रहे हैं, दोस्तों हम सोच रहे हैं कि मतलब 3 दिन बाद जाएंगे तो हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा मेला तो देखते हैं सस्ता है कि महंगा। नहीं, जो है जो झूला 50 रुपये का था वो 25 रुपये में पड़ जाएगा, क्या पता 10 का पड़ जाए और सस्ता। तो दोस्तों क्योंकि लगा हुआ मेला दिख रहा है यहाँ से थोड़ा थोड़ा, तो अभी मज़ा आएगा, अभी चलते हैं। और शिवम जी ने गाड़ी चला रखी है 40 की स्पीड में, और ये जानी वानी रोड लगी है हमें, तो चलिए देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो दोस्तों सब्र की घड़ी हुई समाप्त, गाड़ी स्लो करके चलना धीरे धीरे, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे ऋषिकेश वीरभद्र शिवरात्रि मेला जिसे हम बोल सकते हैं। तो पूरा रोडों में दुकानें लगी हुई है, देख सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है, बड़ी प्यारी प्यारी दुकानें लगी है। यहाँ से शुरू होता है दोस्तों बच्चों का मनोरंजन का सामान, ठीक है, हमारा मनोरंजन का सामान शायद आगे मिलेगा, याद बच्चों का मनोरंजन का सामान शुरू होता है। और यहाँ पर बहुत शानदार दुकानें लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप। लेफ्ट यहाँ से राइट ले लेना शिवम जी, लेफ्ट में तो हम सीधा राइट में तो फंस जाएंगे हम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरीके का मेला है, और आगे कुछ नहीं, आगे सब खाली खाली सा है, अंदर घुसा दीजिए मेले की स्कूटी, आज बना देंगे हम मौत का कुआं इसका, तो चलते रहिए सीधे। तो ये यहाँ पर मौत का कुआं है जो कि मौत के घाट उतार दिया जाता है लोगों को ये शुभम अपना ब्लॉग शूट करने जा रहा है कॉर्नर में, बोल रहा है मैं जो शर्म लग रही है कॉर्नर में शुरू करूँगा अपना ब्लॉग। दोस्तों मेरे पीछे है मौत का कुआं, इसे बोलते हैं, और इसको लगाने में दोस्तों जो है भैया से मैंने बात करी है भी, ये देखो भैया खोल रहे हैं इसको, तो इसको लगाने में दोस्तों लग जाते हैं 3 से 4 दिन, और इसको हटाने में 2 दिन लग रहे हैं, तो ये भी मुझे अभी पता चला है आज, देखते हैं बाकी आगे पता करते हैं जो कोई मेले को खोल अपने इस जो भी ये झूला झाला बना रखा है खोलने का तरीका है इनका। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये मेला चल रहा, वो चल रहा है बड़ा, बड़ी क्या बोलते हैं इसको, वही इसको क्या बोलते हैं, बड़ा झूला बोलते हैं शायद इसको तो दोस्तों बड़ा झूला चल रहा है, बाकी अभी थोड़ा बहुत लगा हुआ है मेला, बहुत हट गया, बहुत खाली खाली होगी जगह ना, तो देख सकते हैं आप चारों तरफ का मैंने दृश्य आपको दिखा दिया है ना। तो इतनी ऊपर तक ये ख़तरनाक मेला है। अब शुभम बोल रहा है कि झूलते झूलते, मैं तो झूल नहीं रहा, मेरे को तो लगती है डर, मैं आज तक बैठा नहीं हूँ, बाकी आगे देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। तो दोस्तों मैं तो मान नहीं रहा हूँ, बाकी ये सुबह मुझे ज़बरदस्ती करके लेके जा रहा है, डर लग रही है, देखते हैं आज कैसा लगता है, पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस है फिल्म के साथ, तो चलिए मिलते हैं आपको अंदर डोली के अंदर बैठ के। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उनके स्टैंड पे, चलिए मिलते हैं आपको अंदर। तो दोस्तों मैं फाइनली बैठ चुका हूँ सुबह के साथ, देख सकते हैं आप, और मुझे भी डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, खराब हो रही है, ओह माय गॉड दोस्तों ये ऊपर चला गया, ये देख सकते हैं काफी ऊपर हम आ चुके हैं, अब मेरा मूड नहीं है मैं बनाने का, अभी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपको नीचे आओ, माय गॉड दोस्तों डर लग रही है बहुत तगड़ी वाली, मेरी तो हालत खराब होगी घंटे।
ऊपर का जो नजारा है देख सकते हैं आप पूरा खतरनाक है। डर तो मुझे भी लग रहा है, हल्की हल्की डर लग रही है। तो देखते हैं, दूसरी बार बैठ रहा हूँ मैं यहाँ, तो यहाँ पे हालत खराब। कैसा लग रहा है अजीत? दोस्तों मैं बता नहीं सकता कैसा लग रहा है, पूरी हालत खराब है भाई की। तो भाई की हालत खराब हो रही है पूरी, तो देख सकते हैं आप दोस्तों लगाओ भाई। इसकी पूरी हालत खराब हो चुकी है दोस्तों क्या क्या कुछ याद नहीं आ रहा इस समय, तो हालत डाउन हो गई है। ये कैसे बैठा हुआ है भाई स्टॉप, पूरा मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहा, पूरा कूल हो रखा देखिए। और भाई और भाई पहली बार बैठ रहा था, पहली बार ही दूसरी बार बैठ रहा था, मुझे इतनी डर नहीं लग रही है, तो भाई को पूरा डर लग रहा है। तो दोस्तों उतार दो मुझे, आप डर भी थोड़ी लग रही, मुझे भी लग रही है तो भाई को देखे हालत देखे भाई की, पूरे मतलब जड़ तक पकड़ लिया इसने, पूरा झूलत पकड़ रखा है दोस्तों बोल रहे भाई को रोक ले भाई से, रोक ले, मर गए भाई स्पीड बढ़ा दी, पैसे ज्यादा ले लियो भाई, उतार दे बोल रहे भाई, और 75 ले लियो भाई, और रोक ले भाई यार, आज के बाद नहीं बैठा, काले आज तो बैठ गया इसमें, अगर रोक ले कितने चक्कर घुमाएगा भाई, हम तो कह देंगे सब रोक देगा, ये हमारे बस की नहीं है, मानने कैसे झूल रहे हैं आजकल के, पूरा मजा आ रहा है भाई, कैसे झूल रहे हैं दोस्तों। हाँ भाई कैसा लग रहा है, पता जल्दी बता दोस्तों। इस समय थोड़ा सा मतलब बहुत स्लो हो गया है, नर्वस फील कर रहा हूँ, नर्वस भाई बोल रहे हैं कि 100 रुपए ज्यादा ले लिया, पर रोक दे भाई बोल दोस्तों, ये जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा रहे हैं, मेरे धड़कन की स्पीड बढ़ रही है, रोक ले भाई मुझे तो, रुकी वो नीचे उतार दे भाई, रोक, वो ब्रेक लग चुका है भाई, गलत पूरी खराब हो गई है, तो रुकवाना चाह रहा है, रोक दो भैया 50% में रोक दो हमें, भाई की हालत खराब होगी दोस्तों, हम भाई आज से नहीं बैठेगा भाई, तो चलते हैं बाहर, तो भाई की हालत होगी खराब, अबे यार तेरी हालत खराब हो गई, कैसे लगा आज तो बढ़िया। तो दोस्तों ये बोल रहा है अभी कप प्लेट में बैठते हैं, मैंने कहा भाई तू भगोने में बिठा दियो घर जाके, यहाँ कप प्लेट में मत बिठा, यहाँ ताला अभी उतार के ला रहा है, हालत ऐसी हो गई थी मतलब खतरनाक, बस मेला छोड़ दो। तो चलिए दोस्तों ये काफी हो गया मजाक, अब आपको दिखाते हैं थोड़ा दुकानें यहाँ की किस तरीके से लगी हुई हैं। ये दोस्तों जो मेला लगता है यहाँ शिवरात्रि का, ये ऋषिकेश के अंदर वीरभद्र IDPL के नाम से लगता है, यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हो। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको दोस्तों, मुझे निशाना लगाने का बहुत शौक है लेकिन मैं अब इन चीज़ों में इनकी चालें समझ चुका हूँ, कि जो निशाने लगाने वाले होते हैं ये निशाना लगता नहीं है, साला पैसा ले लेते हैं, तो अब मैं निशाने कम कर दिए लगाने अब मैं ब्लॉगिंग का निशाना, अब मैं ज़्यादातर खाने पे ध्यान देता हूँ, निशानों पे कम ध्यान देता हूँ, पैसे पूछे फालतू खर्च नहीं करता मैं। 220 रुपये दोस्तों हम खड़े हुए हैं लॉकेट वाली शॉप में, है ना, और यहाँ हम यहाँ से ले रहे हैं लॉकेट, और जो उसमें बाइक के लिए ले रहा हूँ, मैं बाइक के की लिए ले रहा हूँ, मैं नाम वगैरह लिखवा दूंगा, इस तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको, अभी बन रही है ब्लॉग में, ठीक है, और फिर हमको देखते हैं कुछ लेगा तो लेगा, वरना देखते हैं, वरना फिर आगे मिलेंगे आपको, ठीक है, बने रहिए आप ब्लॉग में। तो दोस्तों आखिरी में मैंने ये चूज़ किया है, और इस तरीके से लिखा जा रहा है नाम, क्या स्टाइल है अंकल का, देखो गजब तरीका आजमाते हुए अंकल, और यहाँ पर काफ़ी सारे इस तरीके से कुछ स्टाइलिश शेप्स में रखे हुए हैं, बने हुए हैं, और खाली मैंने अपना नाम लिखाया है, बाकी जगह छोटी है, बड़ा करवाएंगे किसी दिन, बड़े के लिए चुनेंगे बड़े के लिए चुनेंगे। और ये दोस्त हमें मिले हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? आयुष जी हैं हमारे साथ यहाँ पर, ये भी कुछ लिखवा रहे हैं अपने लिए, है ना, और ये भी चैनल बनाने वाले हैं, जल्दी मिलेंगे आपको, चलिए मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों फाइनली हमने लिखवा लिया है, ये देखिए इस तरीके से देखते हैं, मैंने ये लिखा इधर मोहित सैनी, ठीक है, इस तरीके से अच्छा लग रहा है, बाकी बढ़िया है, चार्ज में डाल के और बढ़िया लगेगा, और शुभम भी बोल रहा है लिखवाने के लिए, तो देखते हैं ये भी लिखवा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों आखिरकार सारा काम निपटा के हम पी रहे हैं गन्ने का जूस। ये देखिए जूस। अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश साइड को, ठीक है। ये मेला जो था, ये मेला था IDPL की तरफ, तो इधर हो गया पीछे। हाँ मतलब इधर ही जा रहे हैं हम, कुल मिला के मेले से बाहर जा रहे हैं। कुल मिला के मेले से बाहर जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको मिलेंगे हम जहाँ पे हम जा रहे हैं, ठीक है। भूख लग रही है तो कुल मिला के हम जा रहे हैं छोटे से एक ढाबा सा है उस पर जा रहे हैं। बहुत अच्छे वहाँ पे जो है एक नंबर के भटूरे बनाता है दोस्तों। ये बोल रहा है कि यहाँ इस झूले में झूल ले और ये वाला निशाना लगा ले, और मुझे निशाने लगाने नहीं है। खाली बिल्ली में पैसे खराब कर रहा है, कुछ खाने में काम आएगा। चलो मिलते हैं आपको आगे। ठीक, तो दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं मेले से, स्कूटी पे बैठ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये लगती है यहाँ पर IDPL की हाट, यानी कि IDPL का बाजार, छोटा बाजार। कभी कभी मैं यहाँ पे भी आता हूँ शॉपिंग है वो शॉपिंग करने भी, और अपना जो है मार्केट की सब्जियाँ की शॉप लगाने भी। ये वो IDPL का हाट है ना, और सीधा ये रोड जाती है IDPL का एक गेट पड़ता है, उसका नाम सिटी गेट है, सिटी गेट के नाम से फेमस है। तो ये रोड वहाँ जा रही है, चले मिलते हैं आपको वहाँ। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके थे सिटी गेट पे, और छोले भटूरे, ठीक है। ये भटूरा है, तो ये मेरी प्लेट है मुस्लिम की। तो चलिए बहुत टेस्टी हो रहा है, मज़ा आ रहा है, इसे खाने के बाद आपको मिलते हैं ब्लॉग में आगे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर, ठीक है। हमने जो खाना था खा लिया, खाना था देख लिया। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं घर, है ना, और शुभम भी आ चुका है। जो भी खाना था देखना था वो हमने कर लिया। तो दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ अंदर घर में, और देखते हैं वर्षा क्या कर रही है। तो देखिएगा आप व्लॉग आगे, वर्षा बताएगी आपको वर्षा क्या कर रही है आगे, ठीक है। अब हमने पूजा भी कर दी है, और हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, उसकी बगल में बेल आइकन भी है उसे भी दबा देना, ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अब मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, और कमेंट भी जरूर करना, शेयर भी करना, और बने रहना हमारे हर ब्लॉग में, हमारा ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू सो मच, अब तक के लिए टाटा बाय बाय।